कर एक बार फिर से हवा तेज होने लगी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र संघ चुनाव से फिर से शुरू करने के लिए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री नाम के ज्ञापन सौंपा है। अभाविपी एबीवीपी ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि पूर्व में लगातार प्रतिवर्ष छात्र संघ चुनाव किए जाने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में सुधार तथा विकास युवा नेतृत्व के माध्यम से संपन्न होता था, परंतु 2016 के पश्चात प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दिया गया था। वहीं पिछले 2 से अधिक वर्षों से छात्र संघ मनोनयन भी नहीं हुआ है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी ये मांग है कि साल 2016 से जो छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया गया है, ये युवा नेतृत्व को दबाने का प्रयास है। तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि सरकार दोबारा से फिर से छात्र संघ चुनाव हर विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शुरू करे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मुख्यमंत्री जी को एसपी सर के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। वो जो 2016 में जो छात्र संघ चुनाव हुआ करता था उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने रोक लगा दिया है, जिससे जो महाविद्यालय और विद्यालयों में हम देखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हमको देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ये चुनाव होता है तो वहां पे जो विद्यार्थी होते हैं वो उस चीज के लिए जागरूक होते हैं। ये अभावे छत्तीसगढ़ का मांग है कि जो छात्र संघ चुनाव है उसको फिर से शुरू करना चाहिए।